Assalamualaikum everyone, welcome back my channel, welcome back another video. क्या हाल है आप सब के? I hope आप सब ठीक ठाक होंगे, जा रहे खुश हैं, आबाद हैं, आमीन. अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. तो जी आज मैं आप लोगों के लिए ज़बरदस्त सा व्लॉग लेके आ गई हूँ. काफ़ी दिनों से, काफ़ी टाइम से मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर रही थी, तो मुझे मैसेज आ रहे थे कि आप व्लॉग क्यों नहीं अपलोड करी. तो मैं आपको बता दूँ, बस मैं बिज़ी थी. फैमिली में दो शादियाँ थी, एक मेरे भाई की थी, दूसरी भी भाई की थी. बस फैमिली में शादियाँ थी तो इसलिए मैं मसरूफ़ थी. तो मैं व्लॉग्स वगैरह बना रही थी, मैंने कहा एक साथ ही ना फिर मैं तसल्ली से अपलोड करती जाऊँगी. तो बस ये नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया है, तो बस ये आज हम जा रहे हैं शॉपिंग करने. ये शादी से पहले का व्लॉग है, मैंने सोचा आप लोगों के साथ अपनी शॉपिंग भी शेयर करूँ, उसके बाद फिर शॉपिंग के बाद शादी वाले व्लॉग शेयर करूँगी. तो चलें जी, सबसे पहले हम यहाँ पर रुक गए जी. बच्चों ने लेनी थी आइसक्रीम, तो जी छुट्टी का दिन था, बच्चों के साथ फुल फैमिली, भाभी बच्चे सब शॉपिंग पे गए हम. तो बस फिर बाद में बड़ा पछताया कि हम बच्चों को क्यों साथ लेके गए हैं. बच्चों ने बहुत ज़्यादा तंग किया, बच्चों की अपनी फरमाइश है ये ले दो, वो ले दो, राइम तो टॉय ले दो. बस फिर हम बड़ा पछताए. फिर हमने कज़न को बुलाया तो दो बच्चों को वापस भेजा, तो राइम गया ही नहीं कर वापस. तो चलें जी यहाँ से हमने अपनी शॉपिंग स्टार्ट की. हम देख रहे हैं कुछ कपड़े, रेडीमेड कपड़े, या फिर अच्छा कोई मिल गया, कोई फ्रॉक होगा इस तरह से. बस हम देख रहे थे बच्चों के साथ, देखें बच्चे आगे होके कैसे देखें जैसे उन्होंने पसंद करने हों. तो बस ये देखें, यहाँ पे हम देख रहे हैं फैंसी ड्रेसेस उनकी शॉपिंग कर रहे थे. तो ये देखें, ये मैं देखी थी माइयों वगैरह के लिए, अपने लिए, अपनी भाभी के लिए हम देख रहे थे. तो ये देखें क्रश जो है फैब्रिक, इसका बड़ा ट्रेंड है. तो बस जो मैंने अपने बरात का ड्रेस सोचा हुआ वो भी क्रश के साथ ही है. फ्रॉक गाउन जो मैंने बनवाया है तो वो भी मैं आपको, उसकी भी वीडियो आपको मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी. तो ये देखें आजकल बस मैं दिल कर रहा है हर एक चीज़ में क्रश हो, हर ड्रेस में कुछ ना कुछ हो क्रश का, या दुपट्टा हो अगर. तो वही ये देखिए कितना ऑरेंज, कितना मज़े का लग रहा है. भाभी कह रहे थे मेहंदी के लिए हम ये ना नाले में ऑरेंज, आप येलो या फिर इस तरह से. तो बस ये देखिए यहाँ पे कुछ फैंसी ड्रेसेस दिख रही थी काम वाले जो थे. तो ये जो शॉप है इससे बड़े अच्छे होते हैं, तो ख़राब भी नहीं होते. तो पहले भी मैं यहाँ से एक ड्रेस ले चुकी हूँ, तो अब दोबारा दूसरी बार आई हूँ. तो जी बस ये देखें ब्लैक ड्रेस अच्छा लग रहा है. तो जी शॉपिंग व्लॉग्स देखने का किसी को मज़ा आता है, मुझे तो बड़ा ही मज़ा आता था जब मैं व्लॉग्स नहीं बनाती थी. मैं दूसरों के शॉपिंग व्लॉग्स, इस तरह के व्लॉग्स बहुत ज़्यादा देखती थी. तो चलें जी यहाँ पे ना हमने फोतिया की ना फ्रॉक बनवानी थी वलीमा के लिए, तो अपनी भतीजी की. तो बस ये बच्चों को भूख लगी, बच्चों को कुछ खिलाया, फिर उनको घर भेजा, बस राहिम यहाँ पर रुक गया. तो जी ये देखें यहाँ पर हमने लेने थे कुर्ते लोन के, दो स्टिच के होते हैं, तो इस शॉप पर बड़े ही अच्छे होते हैं, तो हम ना यहीं से लेते हैं. तो ये फैसलाबाद में मैं शॉपिंग कर रही हूँ. तो ये जी यहाँ से एक दो दुपट्टे मैच करने थे वो लिए. तो चलें जी इसके बाद फिर हम आगे जहाँ से हमने अपनी ड्रेस ले बनवाए हैं और वलीमा का भी सारा. तो मैं देखें अपनी भाभी को मैं तंग कर रही थी कि भाभी ये वाला ले लें आप वलीमा पे, अच्छा है ना. भाभी को छेड़ रही थी कि मैंने पिक्स बना के भेजी भाई को कि भाई भाभी ये वाला ले लें ड्रेस. तो बस भाभी को इस तरह की पसंद नहीं है, तो बस तो अब और भी देख रहे थे ड्रेस जो मैं चाह रही थी वैसा बिल्कुल मुझे ड्रेस नहीं मिला. वैसे ओपन गाउन थे लेकिन जिस डिज़ाइन का मैंने सोचा था वो कह रहे थे बनवाना ही पड़ेगा, तो जी फिर मैंने बनवा लिया. तो साथ में क्रश का लहंगा है, साथ में फ्रॉक है, तो बस मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी. तो जी इस शॉप से हमने ड्रेसेस वगैरह देखे सारे, और जी जो बनवाने थे वो बनवाए. तो बस ये यहाँ पे हमने शेरवानी भी देख लेते, तब मेरा भाई नहीं आया था बाहर से, तो हम उन्हें पिक्स भेज रहे थे कि ये देखें इस तरह का चल रहा है ट्रेंड, ये देखें इसके ये डबल थी, तो ये जो ऊपर वाली है इसके इस पर बटन नहीं है, जो इसके अंदर है शर्ट टाइप उसके ना बटन बंद करने हैं. ऊपर गाउन अलहदा से था शेरवानी का, तो बस हम भाई को भेज रहे थे पिक्स वगैरह. तो जी उसके बाद जी फिर हम दुपट्टा बनवाने आ गए दुल्हन के लिए. तो हमने यहाँ पे मैं बताई थी कि अरसलान की दुल्हन लिख दो इस दुपट्टे के ऊपर. इसके बाद ही हमने अपना मेहंदी का लहंगा देखा, मैंने और भाभी ने बस लहंगे देखे थे, बट हमें यहाँ पे कोई पसंद नहीं आया ख़ास. तो फिर एक और शॉप थी वहाँ पे भी हमने ड्रेसेस वगैरह देखे, और फिर ये देखे गोल्ड वगैरह देखा. तो फिर शॉपिंग जो हमने करनी थी वो करके फिर हम आगे घर वापस घर आके ये देखे बच्चे दिखा रहे थे शॉपिंग. ये मेरी भतीजी है, बड़ी एक्साइटेड होती है सारे काम
यही कर रही थी शादी में आगे आगे, तो बस मामू को दिखा रहे थे हम अपनी शॉपिंग, क्योंकि हमने मामू के घर स्टे किया हुआ था, वहीं से शॉपिंग करने जा रहे थे। तो चलें जी, अब मैं इधर आ गई हूँ घर वापस। तो जी नेक्स्ट व्लॉग में भी शायद शॉपिंग का हो, उसके बाद फिर शादी के व्लॉग होंगे, फिर उसके बाद मैं ड्रेसेस सारी आपके साथ शेयर करूँगी। तो जी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ज़्यादा ख्याल रखा, दुआ में याद रखा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर। अल्लाह हाफिज़।